दोस्तों, क्या आपको पता है कि जब कुंभ मेला लगता है तो इसमें मोर देन 10 मिलियन यानी कि 10 करोड़ के करीब जो है लोग पब्लिक गैदरिंग होती है। और ये गैदरिंग इतनी बड़ी है, हम कह सकते हैं कि इंडिया का लगभग 7.5% लोग इस मेले में जुटते हैं और यहाँ आकर के इस मेले के अंदर स्नान करते हैं, यहाँ आकर के पूजा अर्चना करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये 10 करोड़ लोग, इसको प्रशासन द्वारा मैनेज करना इस मेले की सबसे बड़ी चुनौती है। ये मेला लगभग 50 से 60 दिन के अंतराल में लगता है किसी भी शहर के अंदर, और इस दौरान मेले में आई हुई पब्लिक यहाँ के वातावरण और यहाँ के सारे जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका उपयोग करती है, पानी का उपयोग करती है, बिजली का उपयोग करती है, और साथ ही साथ जो अपशिष्ट हैं, जो वेस्ट है, वो यहाँ छोड़ जाती है। जब ये मेले का अंत होता है, जब मेले की के अंत में आप देख सकते हैं कि इतना कचरा इकट्ठा हो जाता है कि इसको इसका निस्तारण करना, इसको डिजॉल्व करना, इसको डिस्पोजल बहुत ही बड़ी चुनौती होती है एक प्रशासन के लिए। तो आखिर इस के लिए प्रशासन की क्या तैयारी होती है, इसको कैसे सॉल्व किया जाए कि ये जो वेस्ट है, जो जनरेट हुआ है कुंभ मेले के अंदर, इसको कैसे डिस्पोज किया जाए। दोस्तों, यहाँ मैं आपको कुछ कैलकुलेशन दे रहा हूँ, जो मेले के दौरान वेस्ट जनरेट होता है वो कितना होता है। जैसा कि मैंने बताया कि इस मेले के दौरान लगभग जो है 10 करोड़ लोग की गैदरिंग होती है, और हर बंदा अगर 1.5 केजी का वेस्ट जनरेट करता है तो टोटल जो है 15 करोड़ केजी में ये वेस्ट जनरेट होगा। और जो टन के हिसाब से अगर हम देखें तो ये 1.5 लाख टन जो है वेस्ट जनरेट होता है टोटल। अगर हमारा मेले की अवधि जो है 60 दिन की है, 60 दिन अगर मेला चलता है तो पर डे जो वेस्ट जनरेट होगा वो 250 टन्स पर डे होगा। और ये 250 टन्स पर डे जो डिस्पोजल है वेस्ट का, बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बहुत इसके लिए साइंटिफिक मेथड चाहिए इसको डिस्पोज करने के लिए। तो प्रशासन इस मेले में वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करती है, बताता हूँ आपको इस वीडियो द्वारा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अपने स्क्रीन पर बने बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, जिससे जब भी कोई हम अपना नया वीडियो बनाएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आएगा। द डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन वेस्ट यानी कि जो अपशिष्ट हैं, जो ह्यूमन निकालता है, टॉयलेट वगैरह करता है, तो उसको डिस्पोज अब कैसे किया जाता है। तो मेले में प्रशासन जो है बायो डाइजेस्टर वेस्ट जो है, तो बायो टॉयलेट्स जो हैं की व्यवस्था करता है इस मेले के अंदर। और ये बायो टॉयलेट 0 डिस्चार्ज बेस पे रहते हैं, ये DRDO टेक्नोलॉजी वेस्ट टॉयलेट हैं जिसके बाहर कोई भी जो है अपशिष्ट बाहर नहीं निकलता है, और सारा का सारा जो अपशिष्ट है वो पानी और गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से जो मानव द्वारा अपशिष्ट है इस टॉयलेट द्वारा जो है इसको जो है डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है एनवायरमेंटल फ्रेंडली। इसके अलावा जो पब्लिक रेलवे द्वारा सिटी के अंदर आती है, जैसे इलाहाबाद में ये कुंभ मेला लगने वाला है, तो वो ट्रेन्स वगैरह जितनी भी यहाँ टर्मिनेट होती हैं, जो आती हैं ट्रेनें, उसमें जो है बायो टॉयलेट की व्यवस्था की जाती है, जिससे कि पटरियों पर और जगह जगह जो है लिटरिंग ना हो, ये अपशिष्ट वहाँ ना फैले। तो इसलिए जो बायो टॉयलेट लगाए जाते हैं, ये बायो टॉयलेट जो है 0 डिस्चार्ज होते हैं, तो इस प्रकार से एनवायरमेंटल जो है फ्रेंडली होती हैं ये। मेले के अंदर बायो वेस्ट यानी कि फूड वेस्ट, हॉर्टिकल्चर और जो फ्लावर्स वगैरह होते हैं उसको कैसे डिस्पोज ऑफ करते हैं, एक मेथड है कि हम उस वेस्ट को RDF में कन्वर्ट कर दें यानी कि रिफ्यूज ड्राई फूड के अंदर। उसमें क्या होता है, जितने भी फ्लावर्स हैं, हॉर्टिकल्चर वेस्ट है, वेजिटेबल वेस्ट है, फूड वेस्ट है, इन सभी वेस्ट को एक जगह कलेक्ट करके इसको जितना भी नदी के अंदर का कचरा है, जितने भी फूल पत्ते हैं, जितने भी इस टाइप के वेस्ट हैं जिसको हम बायो वेस्ट कहते हैं,
इस वेस्ट को एक मशीन यानी कि कॉम्पैक्टर होता है, इस मशीन के अंदर ये डाल दिया जाता है और इससे इस वेस्ट को इसको कॉम्पैक्ट करके क्रश करके एक RDF फॉर्म में जो है जनरेट कर दिया जाता है। ये RDF जो है फ्यूल की तरह यूज होता है और इसकी कैलोरीफिक वैल्यू काफ़ी हाई होता है और ये फ्यूचर फ्यूल की तरह जो है यूज होता है और आगे जा करके ये बर्निंग में या कुकिंग के पर्पस के लिए भी इस फ्यूल को हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम बायो वेस्ट को ये RDF में जनरेट करके यूज़ कर सकते हैं। दूसरा मेथड है कि बायो वेस्ट को हम कंपोस्ट बना दें, कि बहुत से बायो वेस्ट ऐसे हैं जिसमें हम कंपोस्ट बना दिए जाते हैं, जिसमें हॉर्टिकल्चर वेस्ट है, कुछ आपके जैसे डंग वगैरह हैं काऊ वगैरह के, इसको जो है कंपोस्ट बनाना इजी होता है और इसको जो है एक इन एब्सेंस ऑफ एयर यानी कि इसको कवर करके कुछ दिनों तक इसके अंदर बैक्टीरिया वगैरह डाला जाता है, कछुए ये आपके केंचुए वगैरह डाले जाते हैं, जिससे ये नेचुरली डाइजेस्ट होता है, डिकम्पोज होता है ये वेस्ट और ये जो है खाद में बदल जाता है, कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और इस कंपोस्ट को फिल्टरिंग करने के बाद में हम बैगिंग कर सकते हैं, इसमें बैग में भर करके इसको गार्डनिंग के पर्पस से और मार्केटिंग कर सकते हैं, इसकी सेल कर सकते हैं डायरेक्टली। दूसरा एक फूड वेस्ट है, उस फूड वेस्ट को हम श्रेडिंग करके उसकी स्लरी प्रिपरेशन करके इस वेस्ट को हम वायो मैथनेशन द्वारा यानी कि वायो मैथनेशन से जो वायो गैस बनती है उस वायो गैस से पावर जनरेट कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के बाद में, क्योंकि इस मेले में जो वेस्ट जनरेट होने वाला वो बहुत हाई क्वांटिटी में हाई क्वालिटी का होगा, तो इससे जो इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होगी बहुत हाई यूनिट जो है उसके क्रिएट किया सकते हैं और उस इलेक्ट्रिसिटी को हम ग्रिड में डाल करके जो इलेक्ट्रिसिटी मेले में दौरान यूज होने वाली है उस इलेक्ट्रिसिटी को हम रीगेन कर सकते हैं, रिन्यूअल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इस वेस्ट को हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। मेले के दौरान कुछ प्लास्टिक्स ऐसी होती हैं, जैसे पॉलीथीन है, वाटर बोतल है, तो इन प्लास्टिक्स को हम जो है दोबारा से रिसाइकल कर सकते हैं। जो लो ग्रेड प्लास्टिक्स है जैसे पॉलीथीन है, पतली पतली कुरकुरे के सेसेज हैं, इनको वाई थर्मो प्रोसेस यानी कि इंजेक्टर मशीन्स आती हैं कुछ थर्मल प्रोसेस द्वारा जो है इसको एक केक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसको प्लास्टिक का दाना में जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये दाना जो है दोबारा से हम जो है इसको रिसाइकिल करके इसका प्लास्टिक का प्रोडक्ट बना सकते हैं। और हाई ग्रेड प्लास्टिक जो प्लास्टिक बोटल्स वगैरह होती हैं इसको डायरेक्ट श्रेडिंग करके इसको प्लास्टिक इंडस्ट्रीज में ये दाना जो है आपका चला जाता है, जिससे कि फर्दर जो है इसको प्रोसेस करके नए नया प्रोडक्ट इससे क्रिएट कर सकते हैं। थर्माकोल यानी कि जिसका प्रयोग हम कप्स प्लेट्स गिलास वगैरह बनाने में करते हैं, इसको डिस्पोज ऑफ भी करना ईजी है और इसको कलेक्ट करने के बाद में इसको थर्मल प्रोसेस द्वारा यानी कि इसमें एक थर्मल इंजेक्शन मशीन आती है, इसके अंदर फीडिंग किया जाता है इसको क्रश करके, और ये थर्मल फीडिंग के बाद में इसको रिड्यूस साइज में यानी कि लगभग 50 टाइम जो है इसका वॉल्यूम जो है रिड्यूस फॉर्म में हो जाता है और उसको जो है फर्दर एक प्लास्टिक फॉर्म में, एक दिस इज़ ए काइंड ऑफ प्लास्टिक थर्माकॉल, और इसको प्लास्टिक के दाने में ग्रेन्यूल्स में इसको जो है कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इस प्रकार से थर्माकॉल को हम रिसाइकल कर सकते हैं। घाटों को क्लीन करने के लिए NGOs और अदर NCC कैडेट और दूसरे सोशल आपका चैरिटीज़ हैं जो गवर्नमेंट की हेल्प करते हैं घाट को क्लीन करने के लिए, आसपास के वातावरण को साफ सुथरा रखने के लिए। आजकल कुछ स्किमर जो पानी के अंदर वेस्ट को कलेक्ट करते हैं यूज़ किया जाता है, ये स्किमर डीजल वेस्ट होते हैं, इसके अंदर डीजल इंजन लगा रहता है, बोट की तरह ही होते हैं। जो पानी के अंदर रिवर के अंदर गंदगी होती है ये बोट जो है उसको कलेक्ट करते रहते हैं, इसमें बेल्ट कन्वेयर होता है जो सारी गंदगी को एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं, जिससे पानी के अंदर जो जितनी भी रिवर्स के अंदर गंदगी है उसको कलेक्ट करके एक जगह इकट्ठा कर देते हैं और इस तरीके से पानी को साफ सुथरा और स्वच्छ रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक एंड गिव योर कमेंट्स।
एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. थैंक्स यू.